करना क्या प्रभु की आज्ञा है, क्या प्रभु की इच्छा है, और उपवास करने से हमारे जीवन में, हमें हमारे आत्मा में क्या फायदे होते हैं। हालेलुया। उपवास करना ही है एक विश्वासी को। अभी मैं बताऊंगी क्या फायदे हैं उपवास करने, और हम बाइबल में पढ़ेंगे। ये सीक्रेट है, मेरी खुद की लाइफ का सीक्रेट है ये, एक उपवास करना। दो कुरंथियों 6 उसका 5। कोड़े खाने से, कैद होने से, हुलड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, वो लगातार कहता मैं उपवास करने से। इसका 2 कुरिन्थियों 11, पौलुस बहुत उपवास करता था, लगातार उपवास करता, 11:27। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में। वो प्रभु की सेवा में बहुत दुख उठा रहा था, लेकिन बार बार वो उपवास करता था। इसका मतलब कुछ सीक्रेट की थी। नहीं, पौलुस कैसे था, मैं इतना दुख प्रभु के लिए उठा रहा हूं, मुझे उपवास करने की, नहीं लिखा, वो बार बार उपवास करता था। हालेलुया। क्या होता है, समझ आ रही है आपको, उपवास पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। यीशु ने भी उपवास किया, मूसा ने उपवास किया, एलिया ने, एस्तर ने, दानियल ने, हम देखे सब ने उपवास किया है। और उपवास के बारे में लिखा यीशु ने, यीशु के चेलों ने। तो हमें भी क्या करना है, ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट होना चाहिए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं उसी तरह हम उपवास करें, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, महीने में 7 दिन, कभी आत्मा में आए तो साल में 21 दिन लगातार, जैसा भी प्रभु आपकी अगुवाई करे। हम निकालेंगे दानियल 10:2, क्या होता है जब आप उपवास करते हो। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपने देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिद्देकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं, आपका इनकाउंटर होता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जब आप उपवास और प्रार्थना में, यहां पे लिखा है दानियल ने परमेश्वर का दर्शन पाया, कहते परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट हुआ। कहते वो दर्शन उसके साथियों ने नहीं, वो सिर्फ उसकी प्रेजेंस में कांपने लगे और वहां से भाग गए, लेकिन वो दर्शन दानियल ने पाया, क्योंकि दानियल 21 दिन की उपवास और प्रार्थना में था। जब उपवास प्रार्थना में होते हो आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ आपका इनकाउंटर होता है। हालेलुया। मुलाकात होती है परमेश्वर के साथ आपकी। हम निकालेंगे एक वचन, और निर्गमन 24:18। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हालेलुया। कितने दिन रहा, किसकी उपस्थिति में, जब वो उपवास और प्रार्थना में गया, परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर हुआ।
हालेलुया। निर्गमन 34, निर्गमन 34 उसका 28 वर्ष। तब मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हालेलुया। जब उसका इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ तो 10 आज्ञा, इस दुनिया के 10 नियम जो पहले परमेश्वर ने दिए, 10 कमांडमेंट, वो मूसा लेकर नीचे आया। हालेलुया। तो क्या हुआ जब दानियल 21 दिन के उपवास में किया, तो उसका इनकाउंटर परमेश्वर से हुआ। और जब मूसा 40 दिन प्रार्थना में गया, उसका इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया। तो जब हम उपवास और प्रार्थना में जाते हैं, हमारा इनकाउंटर होता है आत्मिक परमेश्वर के साथ। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, यशाया 58 उसका 8 वचन। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। जब आप उपवास करते हैं, बाइबल में लिखा है एक सीधी लाइट, तेज लाइट आपके जीवन में आती है, एक प्रकाश आपकी जिंदगियों में आता है। यहां लिखा है तब, कब? जब तू उपवास करे, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। हालेलुया। आपके हृदय में एक सीधी लाइट, सीधा प्रकाश आपकी आत्मा में आता है जब आप उपवास करते हैं। इसका 60 तो उसका 1 भी पढ़ेंगे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं, लिखा उठ प्रकाशमान हो, प्रभु कहता उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। आप वो सीधी लाइट, वो तेज प्रकाश अपने जीवन में पाते हैं जब आप उपवास करते हैं। आपके हृदय में प्रकाश आता है। हालेलुया। तीसरा निकालेंगे एक वचन, 58 उसका 6 ईशायाई। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। जब आप उपवास करते हैं और परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न होके आपके जीवन के जुओं को, बंधनों को फोर्सफुली तोड़ देता है। हालेलुया। आपके जीवन में कैसे भी बंधन क्यों नहीं है, शैतानी बंधन, शैतानी श्राप, कोई भी बंधन जो आपके जीवन में है, जब वो उपवास करते हैं वो फोर्सफुली, समझ आ रही है आपको, वो फोर्सफुली ताकत के साथ परमेश्वर कहता मैं तोड़ देता हूं। हालेलुया। पढ़ो इसे दोबारा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दास, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ क्या वो ये नहीं, और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर। जुआ क्या होता है? जो तुम्हारे बोझ, जो तुम्हारे बंधन होते हैं, जो तुम्हारे कंधों पे जो जुआ, जो बंधन, शैतान के बंधन, कर्जों के बंधन, कोई भी बंधन क्यों नहीं है, कोई भी कर्ज श्राप क्यों नहीं है तुम्हारे ऊपर,
जिसके बोझ में तुम सालों से रह रहे हो। प्रभु कहता है मैं उनका जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लूंगा, हालेलुया, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जुए क्या? बंधन। हमारे देखो ना, बैल के ऊपर क्या रखा होता है? जब बैलगाड़ी, बैल के ऊपर एक जुआ रखा होता है, उसके कंधों पे एक जुआ होता है और वो ऐसे झुक के चल रहा होता है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कुछ जुए हमारी जिंदगी के ऊपर होते हैं और हम उस बोझ के तले, उस बंधनों में दब जाते हैं। प्रभु कहता है उन जुओं को मैं तुम्हारे ऊपर से तोड़ दूंगा। हालेलुया। कब? जब तुम उपवास करोगे। कितने लोग आनंदित है आज? तो आप जो उपवास कर रहे हो, मैं आपको बता रही हूं, वो बंधन टूट रहे हैं आपके। प्रभु कहते हैं फोर्सफुली। एक तो होता है कि टूटेंगे, टूट जाएंगे, एक होता है जब आप उपवास में जाते हैं तो परमेश्वर फोर्सफुली ताकत के साथ आपको छुड़ाता है। हालेलुया। सबसे पहले हमने क्या सीखा? जब हम उपवास करते हैं हमारा इनकाउंटर होता परमेश्वर के साथ। दूसरी चीज, हमारे ऊपर प्रकाश आता है, प्रभु की लाइट हमारे जीवन में आती है। और तीसरी चीज, हमारे बंधन, हमारे जुए फोर्सफुली ताकत के साथ प्रभु तोड़ देता है। और एक वचन और निकालेंगे, 58 उसका 8, तब तेरा प्रकाश वो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तू शीघ्र क्या लिखा है? चंगा हो जाएगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र, जब वो प्रकाश आएगा तो तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तो क्या है यहां पर? फिजिकली प्रभु कहता है तुम्हें ताकत दूंगा, चंगाई दूंगा, शारीरिक बल, शारीरिक ताकत, स्ट्रेंथ प्रभु की। प्रभु कहता है मैं नया कर दूंगा तुम्हें, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। क्या चंगा? हेल्थ। हालेलुया। प्रभु कहता है एक नई पावर, नई सामर्थ। हम थक चुके हैं, कुछ नहीं। प्रभु कहता जब तू उपवास करेगा मैं तुझे नई सामर्थ। एक वचन और निकालेंगे, यशाया 40 उसका 31, तुम्हारे शरीर का नवीनीकरण, तुम्हारी ताकत का नवीनीकरण, तुम्हारी स्ट्रेंथ का नवीनीकरण नया करेगा प्रभु, तुम्हारी सामर्थ को, तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी बॉडी को। परमेश्वर कहता नई ताकत दूंगा मैं जब तुम उपवास करोगे। हालेलुया। तो ये क्या है? फिजिकली हेल्थ, बल, सामर्थ परमेश्वर की शारीरिक रूप में भी हमारे अंदर आएगी, नई हो जाएगी। अरे मैं बहुत थका थका महसूस कर, प्रभु कहता नया बल तुम पाओगे। पढ़े, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। कौन? जो यहोवा के साथ चलते हैं। प्रभु के साथ चलना, प्रभु की आज्ञाओं को पे चलना। जो प्रभु के साथ चलते हैं, जो प्रभु की बाट जोते हैं, क्या लिखा है? वो नया बल, नई ताकत, नई स्ट्रेंथ, समझ आ रही है आपको, प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, समझ आ रही है? वो उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे पर श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, चलेंगे पर थकावट नहीं होगी। हर रोज एक नया बल। हालेलुया। कई बार लोग कहते पासी आप इतना कैसे खड़े रहते हो, इतने घंटे आप कितना बोलते हो,
नेक्स्ट डे फिर मीटिंग होती है, नेक्स्ट डे फिर मीटिंग होती है। कहां से यार, रात को पूरी रात प्रेयर में, दिन में फास्टिंग, रात की भी फास्टिंग, प्रेयर, उसके बाद मीटिंग ले रहे हैं, घंटों खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कल भी अपॉइंटमेंट थी। हालेलुया। कहां से आ रहा बल? रोटी से? कहां से आ रहा है? प्रभु की आज्ञा पे चल रहे। हालेलुया। मुझे याद नहीं होता कि कभी मैंने 3 टाइम खाना खाया हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। मुझे याद नहीं होता कब 3 टाइम खाना खाया, भूल ही चुके अभी तो। हालेलुया। नया बल कौन दे रहा? नया बल हम थोड़ा सा काम करते थक जाते। मैं अपना एक भी मिनट व्यस्त नहीं करती, चाहे मुझे कोई भी, मुझे बस चलना है प्रभु। हालेलुया। तो कौन नया बल पाएंगे? जो प्रभु की बाट जोएंगे, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, जो उपवास करेंगे। तो आप अगर फिजिकली हेल्थ चाहते हो, फिटनेस चाहते हो अपने जीवन में, तो उपवास करना शुरू करो। नया बल चाहते हो, उपवास करना शुरू करो। हालेलुया। नवीनीकरण, तुम्हारे बल जो घट गया है वो नया हो जाएगा, तुम्हारी ताकत जो घट गई है वो नई हो जाएगी। प्रभु कहता तुम चलोगे पर थकोगे नहीं, दौड़ोगे श्रमित नहीं होंगे। समझ आ रही है आपको? प्रभु आपको रोज क्या देगा? नया बल। हालेलुया। नई स्ट्रेंथ, नई ताकत। लोगों की एज बढ़ती है, उनका बल घटता है। समझ आ रही है? लेकिन जो प्रभु के साथ चलते हैं उनका बल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बाइबल में लिखा है मूसा कहते हैं मरते दम तक ना तो उसका बल घटा और ना उसकी आंखें झुलती हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है वो बल पे बल पाता है, अनुग्रह पे अनुग्रह पाता है, महिमा से महिमा को पाता है। हालेलुया। तो आप फिजिकली भी अगर फिट रहना चाहते हो उपवास करें, नया बल चाहते हो, नई स्ट्रेंथ प्रभु से उपवास करो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की हर आज्ञा के पीछे आपके लिए ब्लेसिंग है। हालेलुया।